हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने किसी भी आईफोन का पासकोड लॉक को रिमूव कर सकते हैं। अगर आपका वो आईफोन 11 है, 12 है, 12 प्रो मैक्स है, या आईफोन 5S है, या फिर 4 है, किसी भी आईफोन का आप जस्ट सिंपल मेथड से आप किसी भी आईफोन के पासकोड को अनलॉक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है आईफोन 5S और मुझे इसका पासकोड पता है। वैसे मान लो कि मैं भूल गया हूँ तो मुझे ये कैसे अनलॉक करना है। तो जैसे कि गाइज़, यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे इसका पासवर्ड नहीं पता। तो मैं, वैसे मेरा ये फ़ोन है, मैं बस आपके लिए ट्यूटोरियल बना रहा हूँ कि मुझे इसका पासवर्ड नहीं पता, तो इसको फॉरगॉट पासवर्ड करके, या फिर आप गया आ गया है आईफोन इज डिसेबल्ड कनेक्ट टू iTunes, तो आप इस चीज़ को कैसे फिक्स कर सकती हैं। इसके लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले अपना आईफोन जो है वो स्विच ऑफ कर देना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपको अपने आईफोन की लाइटनिंग केबल ले लेनी है। तो जस्ट इस मेथड में आपको विंडोज़ कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की ज़रूरत है। मैं जो हूँ कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, तो चलिए कंप्यूटर में आपको जस्ट अपने कंप्यूटर के साथ लाइटनिंग केबल कनेक्ट करके अपने आईफोन के साथ लाइटनिंग केबल को कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं अपने आईफोन की लाइटनिंग केबल को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे आईफोन की जो लाइटनिंग केबल कनेक्ट हो गई है, आपको क्या करना है, अपना जैसे ही आपकी लाइटनिंग केबल ऑन हो, आपको अपना फ़ोन का जो होम बटन है उसको प्रेस करके रखना है 5 से 10 सेकंड के लिए। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जो है होम बटन प्रेस करके रखा है और मेरा जो फ़ोन चला गया है सक्सेसफुली रिकवरी मोड में। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ़ोन को एकदम बिल्कुल ही साइड पर रख दें, जहाँ पर भी आपका हाथ टच ना हो और आपकी जो केबल है वो हिले ना। और अब आपको आ जाना है अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अपना कैमरा शिफ्ट कर लूँ और जस्ट मैं आपको ध्यान से दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं, हमारा जो फ़ोन है वो रिकवरी मोड में शो हो गया है। और अब आपको कंप्यूटर में एक टूल चाहिए जिसका नाम है 3U टूल। यहाँ पर ये जो टूल है वो आपको एक वेबसाइट है www.3u.com, इस टूल को आपको डाउनलोड करना है। बड़ा ही शानदार टूल है, एक नंबर टूल है आईफोन के लिए, इसे आपको ज़रूर इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करने के वक्त ध्यान रखें, आपका फ़ोन जो है क्या कहते हैं, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर का वाईफाई ऑन होना चाहिए। इसने आईफोन्स के ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं। तो अब आपको गो फ्लैश के पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फाइल दिखाई जाएगी। और एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर आपको रिटेन यूज़र डेटा करना है, अपना डेटा सेव करना है, तो आपको रिटेन यूज़र डेटा पे क्लिक करना है। अगर डेटा सेव नहीं करना तो आपको जस्ट क्विक फ्लैश मोड पे क्लिक करना है। वैसे अगर आपको पासकोड रिमूव करना है तो आपको क्विक फ्लैश मोड पे ही क्लिक करना पड़ेगा, तो ही आपका फ़ोन जो है अनलॉक होगा। तो हमने जो है ये फ़ाइल पहले से डाउनलोड की है किसी और क्रोम ब्राउज़र से हमने डाउनलोड किया, तो मैं इसको इंपोर्ट बटन पे क्लिक करूँगा और अपनी जो फ़ाइल है वो इंपोर्ट कर लूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर वेरीफाइंग अभी शो हो रहा है, तो ये अभी 2 मिनट में वेरीफाई हो जाएगी। और वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पर ब्लू कलर का फ्लैश बटन शो हो जाएगा, उस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। आपसे गाइस रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड कलर के बटन आपको नीचे शो हो रहा होगा, उसको क्लिक कर दें, ताकि आपको यहाँ पर सारी आईफोन से रिलेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, रेड कलर के बटन को दबा के बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो जैसे कि आप देख सकती हैं, 85-90% ओवरऑल हो गई है, तो हमें थोड़ा सा और वेट करना है और ये 100% होने के बाद इम्पोर्ट शो हो जाएगा। और अब आप इसे फ्लैश बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ्लैश बटन पे क्लिक कर दो और आपका ये जो है व्हील जो है स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। ये 0 से लेकर 80% तक जाएगा और आपको ये जो 80% है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लेगा। तो चलो इस पार्ट को मैं तेज कर दूंगा या फिर स्किप कर दूंगा, क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेना और वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो चलिए इसको होने देते हैं। अगर आपको कोई एरर आता है तो इसका मतलब ये है कि इसकी काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी हैं, या फिर आपका जो है फ़ोन डिसकनेक्ट हो गया है, या फिर आपको दोबारा से इस मेथड को ट्राई करना है। तो चलो यहाँ से मैं वीडियो स्किप कर रहा हूँ। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं, 85 के बाद में मेरा जो फोन है यहाँ पर शो हो गया। कंग्रेचुलेशंस, क्लीन फ्लैश कंप्लीटेड। और मेरा जो फोन है यहाँ पर एप्पल लोगो अब शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। और इसने ये जो लाइन है, अब आप इसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अपने पीसी से। मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको ना डिस्कनेक्ट करें। यहाँ पर ये जो है अभी चार्जिंग होती रहेगी आपके फ़ोन की। वैसे आप इसको डिस्कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई रोल नहीं है, बस चार्जिंग हो रही है अब अपने पीसी से। आप इसको चार्जर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसको ऑन होने के बाद में आपका जो फ़ोन है वो सक्सेसफुली ऑन हो जाएगा। और ये जो लाइन है ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगी फिर से। तो चलिए यहाँ पर ऑन होगा कम्प्लीटली, तो मैं आपको दिखाता हूँ।
और गाइस हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं iPhone 5s, वही iPhone 5s जो है सक्सेसफुली हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसे सेटअप कैसे कर सकते हैं। जस्ट अपना वाईफाई कनेक्ट करें और सारी चीज़ों को जस्ट आप एक क्लिक में, बस आपको एप्पल आईडी अगर आपको पता है तो, अगर आपकी एप्पल आईडी इस फ़ोन में साइन इन है तो आपको साइन इन करनी पड़ेगी, तो ही आपका एक्टिवेशन लॉक से रिमूव होगा, वरना आपको बाईपास करना पड़ेगा। तो यही है मेथड। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।